हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू प्रदीप बिरी एकेडमी मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे बीडब्लू के लेक्चर्स में तो आई होप आप लोग ने पिछला लेक्चर एंजॉय किया होगा एंड वो वाले जो फेजर अल्जेब्रा के पोलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल लो वो वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ गया होगा तो आज क्या लेके रेडी हो जाइए क्योंकि हम उसके ऊपर और इंटरेस्टिंग तीन टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले जहाँ पे आपको आई की वैल्यू वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एक ऐसा न्यूमेरिकल होगा जहाँ पे आपको वर्ड्स में दिया रहेगा तो आपके एग्जाम में ये तीन टाइप में से ही कोई एक टाइप आने वाला है तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि कौन से टाइप से किस तरह सॉल्व करना है ये वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो कैलसी और बुक लेके रेडी हो जाइए तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्या कहता है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फोर सीरीज कनेक्टेड इम्पिडेंसेज अब इम्पिडेंसेज क्या है दोस्तों ये तो आप एक्सपर्ट हो ही गए रहोगे इसमें ये कुछ नहीं मतलब रुकावट है रेजिस्टर जो रुकावट देता है उसको हम स्पेशल बोलते हैं रेजिस्टेंस। बाकी सारे किसी भी चीजों से अगर रुकावट आ रही है हमारे सर्किट में उसको बोला जाता है इम्पीडेंटी ओमेगा टी माइनस फाइव बाई सोर और वी फोर दिया हुआ है आपको वी एन साइन ओमेगा प्लस फाइव फोर कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वी एम फोर एंड पाई फोर इफ अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस दी सर्किट इज वन फोर्टी साइन ओमेगा यहाँ पे चार इम्पिडेंस को एक कनेक्ट किया है सीरीज में कनेक्ट किया गया है और आपको टोटल वोल्टेज दिया है वो सर्किट का तो फटाफट इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम इम्पिडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे सर्किट में हम जेड प्रिफर करेंगे सर्किट कुछ इस तरह रहेगा बहुत ब्रॉड सर्किट नहीं बनाएंगे शॉर्ट सर्किट रहेगा हमारा छोटू सा Z1, Z2, Z3, Z4 और यहां पर वोल्टेज करंट है यहां पे क्या कनेक्टेड है दोस्तों हमारा वोल्टेज कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे V1 रहेगा इसका इसका V2 रहेगा इसका V3 रहेगा इसका V4 रहेगा ठीक है अब गिवन डेटा क्या-क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हमें V टोटल दिया हुआ है V टोटल कितना है पूरे सर्किट का इफ अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज सर्किट इज 140 sin ओमेगा t plus 3 पाई बाय 5 अभी ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है किस फॉर्म में दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह रहता है फटाफट आप कर लो कैसा रहता है यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख देती हूँ वीएम साइन ओमेगा प्लस फाइव ये वीएम क्या है मैक्सिमम एक वोल्टेज का वैल्यू कितना जा सकता है इस सर्किट में दैट इज वन फोर्टी फाइव फेस डिफरेंस कितना आ रहा है थ्री पाई बाई फाइव अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको अगर मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए मुझे इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखने से पहले हम इसका पोलर फॉर्म निकाल लेते हैं वॉट इज पोलर फॉर्म दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से मिल जाता है कैसे सबसे पहले बाय करना पड़ेगा आपको कॉमा ये जो जो एंगल एंगल है वो वाला इधर आ जाएगा जो कि तो आपका फेस डिफरेंस हो जाएगा तो फटाफट कैलसी उठा लो आई एम का वैल्यू यहाँ पे वी है तो ये हमारा वीएम हो जाएगा राइट तो यहाँ पे वीएम बाय रूट टू करेंगे तो वीएम कितना हमारा यहाँ पे वन फोर्टी है ना इससे कंपेयर करो ये दोनों को वन फोर्टी है फाइव हमारा थ्री फाइव थ्री फिफ्टी है कि ये क्या है ये थर्टी डिग्री है फिफ्टी डिग्री है एट्टी डिग्री है क्या है कौन सा डिग्री है तो सिंपल है आप ये पाई की जगह वन एट्टी पुट कर दो एंड डिवाइड बाय फाइव कर दो देखो इस तरह तो आपको आ जाएगा कि वो कितना डिग्री एंगल है दोस्तों ठीक है तो इस तरह आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड रूट कर देंगे पोलर तो फॉर्म तो में ठीक है अब मुझे किस फॉर्म में चाहिए दोस्तों पोलर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है मुझे अब में करना है राइट तो मैं क्या करूंगी ये आर सी जो मैंने लिखा है माइनस पे उस पे उसको उठाऊंगी आरई सी शिफ्ट के साथ आरई सी एक्टिवेट हो गया देन हमें क्या करना है ये दोनों वैल्यूज को पुट करना है नाइनटी एट फिर कॉमा लगाना है शिफ्ट को एक्टिवेट करके जो एक्स के बाजू में कॉमा है वो वन जीरो एट तो इससे आपको मिल जाएगा आपका रेक्टेंगुलर मे, फॉर्म मेरा क्या आ रहा है मेरा आ रहा है एक्स जो है वो माइनस थर्टी पॉइंट फाइव नाइन आ रहा है प्लस वाई का वैल्यू अगर मैं इसे शिफ्ट करूँ साइड में तो यहाँ पे नाइनटी फोर पॉइंट वन फिफ्टी फोर आ रहा है ठीक है तो ये ना मेरा पोलर फॉर्म भी मिल चुका है मुझे इसको हाईलाइट कर देते हैं हम ये मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी मिल चुका है ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म यहां है ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन दोस्तों अगर ऐसे टाइप में पूछा गया तो आपको सबसे पहले उसकी तीन चीजें निकाल लेनी है क्या निकालोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आपको दिया है चलो डन पहला चीज डन हो गया पोलर फॉर्म आपको निकालना है इस तरह

ठीक है तो फटाफट फड़ एक टेबल सॉर्ट ऑफ बना लो चलेगा या फिर आप सेपरेटली लिख दोगे तो भी चलेगा तो हम सेपरेटली लिखना प्रिफर करेंगे आ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं इसको मिटा देती हूँ फटाक से ताकि हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकें ओके okay. सो so, यहाँ पे हम हम क्या लिखेंगे सबसे पहले स्मॉल वी वन इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये हमारा यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे सारा सारा ठीक है देन यहाँ पे हम हमारा कौन सा फॉर्म लिखेंगे दोस्तों पोलर फॉर्म बी बार इक्वल टू यहाँ पे जो भी वी एम बाई रूट टू रहेगा और एंगल फाइव रहेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बी बार इक्वल टू एक्स प्लस वाई जे ठीक है ये तीन चीज हम ए, एक एक दूसरे के नीचे लिखने वाले ताकि वो क्लैरिटी रहे और आपको भी इसमें कोई इशू न आए ठीक है सो लेट इस प्रोसीड सबसे पहले हमने वी वन का ये वी आई है तो वी वन का वैल्यू कैसे आ जाएगा वी वन इक्वल टू सिक्सटी साइन ओमेगा प्लस फाइव बाई पोलर फॉर्म कैसे आने वाला है v1 का फोटाक्सी कैल्सी ले लेते ले हैं वी एम बाय रूट टू कितना हो जाएगा सिक्सटी बाय रूट टू दी टू पॉइंट फोर टू फाइव कितना इधर फाइव बाई कितना हो जाएगा आपका थर्टी डिग्री ये हो गया हमारा अब रेक्टेंगुलर फॉर्म ले लेते हैं फोर्टी टू पॉइंट फोर टू कॉमा थर्टी तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री Plus, क्योंकि है है अगर आपका plus है, तो तो भी भी आ आ जाएगा जाएगा 21 तो ये हो गया V1 का similarly v2 का का लिख देते हैं v2 का कितना दोस्तों सेवेंटी फाइव साइन ओमेगा प्लस ये प्लस नहीं है दोस्तों ये माइनस है यानी कि लैगिंग सर्किट है फाइव बाई सिक्स v2 बार तो यहां पे हो जाएगा सेवेंटी फाइव बाय रूट टू फिफ्टी थ्री पॉइंट जीरो थ्री कॉमा एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस फाइव बाई सिक्स पाए यानी कितना हो जाएगा ये फाइव इन टू वन एटी बाय सिक्स वन फिफ्टी एंड है इसके लिए यहां पे जो इसका नेगेटिव साइन है वो डालना तो कंपलसरी है माइनस एंगल वन फिफ्टी और यहाँ पे वी टू का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए शिफ्ट को एक्टिवेट कर दो आर ई सी आर ई सी लेने के बाद फिफ्टी थ्री पॉइंट ज़ीरो थ्री कॉमा एंगल कितना है दोस्तों माइनस वन फिफ्टी तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा इसका माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन टू एंड वाई हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव वन फाइव जे ठीक है ये आपका वी टू हो गया अब वी थ्री लिख देते हैं वी थ्री कितना हो जाएगा हंड्रेड cos हंड्रेड cos यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों ध्यान दे देना प्लस पाई बाय फोर अभी cos तो नया आएगा क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या रहता है साइन तो cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो बहुत इजी है यहाँ पे एंगल में थोड़ा नाइन्टी एड कर दो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो दोस्तों एंगल में नाइन्टी आपको एड करना पड़ेगा तो यहाँ पे कितना एंगल है ओमेगा प्लस फाइव बाई टू इसमें आपको एड कर देना है ये हो जाएगा सबसे पहले साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाय फोर 90 कैसे लिखते हैं हम पाई बाय टू तो ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा पाई बाय फोर प्लस फाइव बाय टू ये हो जाएगा ओके सो यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हो आप रूट टू हंड्रेड बाय रूट टू कितना होता है दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं और एंगल कितना हो जाएगा आपका थ्री पाई बाय फोर थ्री पाइव बाय फोर इज नथिंग बट हमारा थ्री इन टू वन एट्टी बाय फोर एंड दर्टी फाइव ओके दिस इज डन रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं शिफ्ट रेक्ट सेवेंटी पॉइंट सेवन वन शिफ्ट कॉमा वन थर्टी फाइव ये कुछ कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन अभी फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन आ रहा है तो क्या मैं इसको फिफ्टी लिख दू और ये प्लस फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन आ रहा है तो फिफ्टी जे है ना तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी वन टू इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे हमारा जो लास्ट है टोटल जो हमें दे रखा है वो लिख देती हूँ बी टोटल कितना है दोस्तों वन फोर्टी साइन ओमेगा टी प्लस थ्री पा ये हमने कैलकुलेट करा था ना ऑलरेडी दोस्तों कितना आ गया था हमारा वी टोटल नाइनटी नाइन एंगल वन जीरो एट और इसको जब हमने रेक्टैंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो कितना आया था दोस्तों माइनस थर्टी पॉइंट थर्टी पॉइंट फाइव नाइन प्लस जे कितना आया दोस्तों में थोड़ा सा शिफ्ट करो दोस्तों क्योंकि वाई का वैल्यू थोड़ा आगे रहता है वो और सौ तो ये हमने सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी लिख के रखा है पोलर फॉर्म भी लिख के रखा है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी यहाँ पे लिख के रखा है अब हमें निकालना क्या हमें निकालना है वी फोर अब ये सीरीज सर्किट है राइट ये क्या है कौन सा सर्किट है दोस्तों सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में हमें पता है क्या चीज कॉमन इक्वल रहती है The impedances are connected in series. Therefore, total voltage equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. ये बार इसलिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट है, इसको क्या है एक डायरेक्शन है ठीक है तो इसकी वजह से अभी हमें क्या नहीं पता है दोस्तों यहाँ पे हमें v4 नहीं पता है तो v4 को एक साइड रखेंगे सर्किट के और बाकी सारे टर्म्स हम लोग बार 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 ओके सो दिस गोज लाइक दिस देन आप क्या करोगे आप सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इधर असेंबल करोगे एंड एट सब कर दोगे सो इट इज लाइक बी कितना है दोस्तों आपका माइनस थर्टी पॉइंट फाइव नाइन प्लस नाइन्टी फोर पॉइंट वन फाइव जे इसको माइनस करना है वी वन अब ये ये तीनों को ऐड करना है तो थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री प्लस ट्वेंटी टू वन जे प्लस प्लस नहीं आ जाएगा जाएगी माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन टू माइनस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव वन फाइव जे फिर माइनस फिफ्टी प्लस फिफ्टी जे अब क्या करोगे दोस्तों आप सारे एक्स सारे जे वाले ऐड हो जाएंगे और सारे जे के साथ जो नॉन जे है यानी जिनके साथ वेरिएबल नहीं है यानी कि जो एक्स के पार्ट है वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे तो जब आप इसको ऐड कर लोगे तो क्या बचेगा आपके पास यहां पे माइनस थर्टी पॉइंट फाइव नाइन प्लस फोर पॉइंट वन फाइव J पे जब आप सारे x को ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा कुछ माइनस फिफ्टी नाइन पॉइंट सेवन जे जे पहले लिखो बाद में लिखो डजेंट मैटर जैसे भी आपको रिप्रेजेंट किसी किसी बुक में जय आगे लिखा है बट मैं पीछे लिखती हूँ क्योंकि में हेल्प हो जाती है एंड देन हम क्या करेंगे दोस्तों ये ये दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब आप ये दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी एक्स वाले के साथ जे को जे वाले के साथ करना है ठीक है तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव नाइन प्लस सेवेंटी नाइन पॉइंट नॉट सेवेंटी नाइन फोर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव तो ये हो गया आपका V4 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ठीक है अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों हमें हमारा V4 तो मिल गया है तो सिंपल है कैल्सी उठा लीजिए कैल्सी में एक सेक्शन है पीओ एल शिफ्ट पी ओ एल पे क्लिक कीजिए देन आपके पास ये दोनों वैल्यू है ना दोनों को पुट कर दीजिए ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव नाइन कॉमा फोर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव तो ये कुछ आ जाता है आपको 57.119 और थीटा कितना आ जाता है आपको 59.965. V4 इन पोलर फॉर्म कितना आ जा रहा है दोस्तों 57.119 एंगल कितना आ जा रहा है आपको 50.996 है तो मैं इसको 60 लिख देती हूँ ना सिंपल अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं वी एम कितना आएगा दोस्तों इसको डिवाइड ये हमारा ऑलरेडी डिवाइडेड है तो फिफ्टी सेवन को रूट फिफ्टी सेवन को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट टू से क्या निकालने के लिए बी एम निकालने के लिए इन रूट टू ये कुछ आ जाता है एट्टी पॉइंट सेवन सेवन साइन ओमेगा टी प्लस सिक्सटी कैसे लिखते हैं हम पाई बाय थ्री ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे जो हमें हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा था क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कैलकुलेट डी वीएम एंड फाइ फोर तो यहाँ पे हमारा वीएम मिल गया है हमें जस्ट चेक वंस यस हमारा वीएम भी मिल चुका है कितना है वीएम इक्वल टू एटी पॉइंट बाय VM4, 5, okay? so, easy था ना? सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया Then हमें पता है कि impedance series में connected है. कि सारे में में होने वोल्टेजेस का हमने एडिशन कर दिया एडिशन करने के बाद हमने देखा कि हम यहां शिफ्टिंग करके माइनस कर सकते हैं हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एड सब करने के लिए सारे एक्स एक साथ एड हो जाएंगे एंड सारे जे वाले टर्म एक साथ ऐड हो जाएंगे ठीक है इतना याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाकी सारी की सारी सेम है जो आपको सारे न्यूमेरिकल्स में लगानी पड़ती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता अब मूव करते हैं हम लोग हमारे और एक न्यूमेरिकल पे जो ये तो था वोल्टेज के रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं जो आई के रिलेटेड हो जहां पे जिस तरह हमने यहाँ पे सर्किट का सीरीज का कंसेप्ट लगाया वहां पे हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे ठीक है दोस्तों so the question is here four wires p q r and s are connected to a common point the current in lines p q and r are 6 sin omega t plus pi by 3 5 cos यहाँ पे देखो दोस्तों cos आ गया फिर से cos के लिए हमें क्या करना है cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक π/2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है एंगल में and 3 cos omega t π/3 find the current in wire s अब यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है ठीक है वहां पे ये चारों वायरस कनेक्टेड है हमें ये नहीं पता कि करंट एक साथ आ रहा है या करंट एक ही पॉइंट से वो जा रहा है तो हम चलो कंसिडर कर लेते कि सारे करंट क्या हो रहे आ रहे ठीक है ये आई वन हो गया ये आई टू हो गया ये आई थ्री हो गया ये आई फोर हो गया ठीक है ये सारे करंट क्या कर करे एक साथ आ रहे हैं और यहाँ पे हमें उनकी वैल्यूज दे रखी है तो उनको सबसे पहले हमें पता है हमें कौन से फॉर्म्स लेने पड़ते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पोलर फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये फॉर्म में लेना है तो फटाफट इसको ले लेते हैं ये तीनों फॉर्म्स में प्रोसीड कर दे सोल्विंग के लिए सी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म फिर पोलर फॉर्म लिख देंगे फिर कॉम्प्लेक्स अब यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले पी का क्या है यहां पे हम I1 I2 ना लेने के बजाय पी क्यू आर एस ले लेते चल जाएगा और एस आपको चाहिए तो आप I1 I2 ले लो। तो देखो मैं किस तरह ले लू पी इक्वल टू आई वन इस तरह मैं कंसिडर कर रही हूँ ठीक है दोस्तों एंड दैट इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सिक्स साइन ओमेगा पोलर फॉर्म फिर कैसे आ जाएगा दोस्तों आई वन बार सिक्स बाय रूट टू आ जाएगा सिक्स बाय रूट टू कितना हो जाता है दोस्तों डिवाइड अपने कैल्सियम में कर लीजिए सब लोग मैं यहाँ पे कर देती हूँ सिक्स बाय रूट टू तो यहाँ पे आ रही है फोर पॉइंट टू फोर ठीक है दिस इज फोर पॉइंट टू फोर एंगल पाई बाय थ्री यानी कि सिक्सटी इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए दोस्तों ताकि आपको और सिंपल तरीके में हो जाए इसका सॉल्यूशन रेक्टेंगुलर यूज करेंगे शिफ्ट रेक्ट फोर पॉइंट टू फोर कॉमा सिक्सटी तो एक्स कितना आ जा रहा है आपका 2. 1 2 3.67j आप j आगे भी लिखोगे दोस्तों तो भी कोई दिक्कत नहीं है हाँ इट विल वर्क इट विल वर्क आउट नाउ नेक्स्ट ये p हो गया अभी q क्या है हमारा i2 हो जाएगा कितना दिया हुआ है 5 cos दिया हुआ है ओमेगा t π 3 है ना योमेगा टी कितना दिया हुआ है दोस्तों प्लस फाइव बाई थ्री अब इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले फाइव कॉज की जगह साइन लिख देंगे बस शर्त कितनी है पाई बाई थ्री में पाई बाई टू एड करना पड़ेगा तो जब आप देखो कैलसी में ही करो खुद ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ कैलसी बराबर यूज करो पाई बाय टू तो यहाँ पे आ गया फाइव बाई होप आपको दिख रहा हो लेट मी ट्राई टू शो इट टू यू देखो भाई भाई टू टू पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई टू इक्वल टू फाइव बाई सिक्स पाई तो यहाँ पे ये हो गया अब हम निकाल सकते हैं हमारा आई टू का वैल्यू पोलर फॉर्म में दैट इज फाइव बाई रूट टू ये आ जाता है थ्री पॉइंट फाइव थ्री कॉमा फाइव फाइव बाई कितना हो जाता है फाइव इंटू वन एट्टी बाय सिक्स वन फिफ्टी अब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं थ्री पॉइंट फाइव थ्री शिफ्ट कॉमा वन फिफ्टी

यहां पे हम आगे प्रोसीड करेंगे थ्री रूट टू और एंगल कितना आ जाएगा सीन से कॉस है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई बाय टू एड करना पड़ेगा तो हो जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स पाई दिस विल गो लाइक 150 दोनों का सेम एंगल I3 कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर 2.12 पॉइंट वन टू कॉमा वन हो जाएगा माइनस वन एंड ये हो जाएगा वन प्लस वन पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है तो यहाँ पे हमने पोलर फॉर्म भी लिख दिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी लिख दिया है अब हमें निकालना क्या है फाइंड द करेंट है तो सिंपल है कट कर रहे हो सो so, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे चार वायर एक पॉइंट से कनेक्टेड है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते क्या अकॉर्डिंग टू किर्च लॉ स्पेलिंग बराबर लिखो किचॉफ्स करंट लॉ या फिर किचॉफ्स लॉ ऑफ करंट सिंस हम केसीएल बोलते तो किचॉफ्स करंट लॉ लिख देंगे क्या कहता है लॉ कि एक पॉइंट से जितने करंट बाहर जा रहे हैं उतने ही करंट उस वो इक्वल रहता है उतने ही करंट जब अंदर आ रहे हो बट यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि सारे करंट अंदर जा रहे तो बाहर कोई नहीं जा रहा है जिसकी वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फोर ये इक्वल टू जीरो ये हमारा पी वायर हो गया आई वन के साथ क्यू वायर हो गया आई टू के साथ आर वायर हो गया आई थ्री के साथ एंड एस वायर हो गया आई फोर के साथ ठीक है ये चार वायर हो गए हमारे अब यहाँ पे चारों चारों करंट का एडिशन होगा बट यहाँ पे हमें चौथा करंट तो पता है ही नहीं तो हम चौथे करंट को यहीं रखेंगे बाकी सब वहां भेज देंगे फर्स्ट करंट सेकेंड करंट एंड थर्ड करंट एंड देन हमें पता है हमें क्या करना है ये सारे करंट यहाँ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे सिंपल सारे करंट्स को ऐड करके नेगेटिव साइन दे देनी है नेगेटिव आई वन प्लस आई टू ये तीनों को ऐड करना है तो एक्स ये एक्स वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे वाई वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे तो जब आप एक्स वालों को ऐड करोगे पहले लिख लेते हैं 1.77 J plus negative 1.84 plus 1.06 J ठीक है ये हमने सारे करंट को ऐड कर दी लिख दिया है यहाँ पे अब हम क्या करें इन सबको ऐड करेंगे फिर बाद में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू पॉइंट सेवन नाइन माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव तो ये हमें मिल गया हमारा फोर्थ करंट दोस्तों कैलसी में आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्स वाला पार्ट है उनको ऐड करना है देन आपको वाई वाले पार्ट को ऐड करना है दैट्स ऑल और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है वहां पर ठीक है एंड लेट्स गो टू कैलकुलेट द पोलर फॉर्म अब ये तो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल गया इसका पोलर फॉर्म कैसे मिलेगा दोस्तों हमें सिंपल कैलसी उठा लो उसमें पॉल को क्लिक करो पॉल को शिफ्ट एक्टिवेट करके पॉल देन आप 2.79 डालो कॉमा माइनस 6.5 डालो तो इक्वल टू तो दबाओगे तब आपको मिल जाएगा आपका एंगल दैट इज 7.07 कॉमा एंगल इज नेगेटिव 60. सॉरी तो 66.76 तो ये आपका एंगल आ गया ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं यहाँ पे एंगल भी आ चुका है अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आई एम निकालना पड़ेगा आई एम कैसे मिलेगा ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रूट टू क्योंकि आई एम डिवाइड बाय रूट टू रहता है ना आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है आई एम से है ना लेकिन अब हमें क्या करना है ये कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे आई एम का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों सेवन पॉइंट जीरो सेवन मल्टीप्लाईड बाई रूट टू नाइन पॉइंट नाइन 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 एट इसको मैं टेन लिख देती हूँ राउंड ऑफ करके ठीक है एंड फाइव कितना आ गया आपका यहाँ पे दैट इज माइनस सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हो जाएगा ये एस इक्वल टू आई फोर इक्वल टू आई एम तो so, ये हो गया आपका का वैल्यू जो कि कुछ इस तरह दिखेगा ठीक है दोस्तों आपको ये क्लियर हो एंड द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर टूडे आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो सबसे पहले ठीक है तो यहाँ पे हमने ये लिखा है नी से स्टार्ट होता है पोलर कॉम्प्लेक्स एंड हमारा जो लास्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये रहा लेट्स गो टू अनादर न्यूमेरिकल द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर द डे न्यूमेरिकल क्या कहता है थ्री कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तीन कॉइल्स है जिनको सीरीज के साथ कनेक्ट किया है और हर एक कॉइल कितना जनरेट कर रहा है टू थर्टी वोट का सेकंड कॉइल लीड्स ऑफ द फर्स्ट बाई वन ट्वेंटी तो फर्स्ट वाला जनरेट कर रहा है ई एम एफ टू थर्टी सेकेंड वाला लीड कर रहा है वन ट्वेंटी से और थर्ड वाला लैक कर रहा है मतलब अगर मैं बोल दू लेट ई वन ई टू एंड ई थ्री बी the बाय generated by तीन coils. coils से coil se emf कितना जनरेट हो रहा है ई वन ई टू theek ई थ्री ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा देखो ई वन ईज कितना वैल्यू दिया गया टू थर्टी वोल्ट यानी इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे ना टू थर्टी और एंगल कितना है जीरो क्योंकि यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिख नहीं सकते स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं तो पोलर फॉर्म में ही हमेशा एंट्री होगा अगर सिंगल वैल्यू है तो इवन इतना हो जाएगा दस इधर लिख देती हूँ पोलर फॉर्म ऑफ इवन इवन इक्वल टू तो टू थर्टी एंगल जीरो ई टू का कितना आ जाएगा दोस्तों ई टू क्या कर रहा है लीड कर रहा है मतलब टू थर्टी बोल्ट ही है बट प्लस वन कितना एंगल है वन ट्वेंटी एंगल है ठीक है एंड ई थ्री क्या कर रहा है लैक कर रहा है टू थर्टी है बट एंगल कितना है माइनस वन ट्वेंटी अभी पोलर फॉर्म में हो गया पोलर फॉर्म तो ऊपर बार लगा देते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाल ले वन बार इक्वल टू टू थर्टी एंगल जीरो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रेक्टेंगुलर शिफ्ट रेक्ट टू थर्टी कॉमा जीरो कितना आ गया आपका x 230 रहेगा y वाला पार्ट रहेगा जीरो e2 कितना आ जाएगा e2 निकाल लेते हैं e2 टू इज टू थर्टी कॉमा वन ट्वेंटी तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस वन वन फाइव वाई कितना हो जाएगा वन नाइन पॉइंट वन एट जी एंड ई थ्री कितना आ रहा है दोस्तों रेक्टेंगुलर टू थर्टी कॉमा माइनस वन ट्वेंटी तो आपका ई थ्री कितना आ जाएगा माइनस वन वन फाइव माइनस वन नाइन पॉइंट वन एट जी ठीक है ये हमने पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म कैलकुलेट कर लिया ई वन ई टू ई थ्री का अब हमें क्या करना है वॉट इज द रिजल्टेंट ई एम एफ अब हमें रिजल्टेंट ईएमएफ निकालना है रिजल्टेंट ईएमएफ मतलब दोस्तों टोटल ई एम एफ तो टोटल ई एम एफ कैसे मिल जाएगा बहुत ईजी है सिंपल टू कैलकुलेट रिजल्टेंट इंट ई एम एफ टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री है ना ई वन कितना है आपका टू थर्टी प्लस जे जीरो E2 कितना है माइनस वन वन फाइव प्लस पॉइंट वन एट जी तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना आपको आ जाएगा जीरो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सारे x वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे इन तीनों को एक साथ ऐड कर दोगे दोस्तों आप एंड बाकी वाई वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे तब तो आपको मिल जाएगा वो ऑटोमेटिकली जीरो सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट आपका फेजर अल्जबरा यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों बस क्वेश्चन पढ़ के आपको आपके ये पोलर फॉर्म एंड ये सब समझ में आने चाहिए एंड दैट्स ऑल बस आपको एक मेन चीज यहाँ पे याद रखनी है सॉरी <coughs> अगर कॉस में दिया तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एंगल में प्लस पाई बाय टू करना पड़ेगा और अगर इनकेस कभी माइनस साइन में दिया है तो उसको आपको आपको प्लस साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर से ऐड करना पड़ेगा एंड दैट फैक्टर इज नथिंग बट आपका ठीक है में में रहेगा कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू तो उसको साइन कन्वर्ट करने के लिए प्लस पाई बाय टू करो माइनस साइन में दिया हुआ है तो उसको प्लस साइन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस पाई करो सो दिस वॉज द होल न्यूमेरिकल इतने टाइप्स में यहाँ खत्म होता है आज का लेक्चर आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया हो एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम स्टार्ट करेंगे आर एल सी सर्किट कि कब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जब सर्किट में लगे रहते हैं तो क्या इफेक्ट आता है तो हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए मोटिवेट कीजिए आज का लेक्चर पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए एंड कॉमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट हो हम लोग वहां पर सॉल्व जरूर कर देंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केप लर्निंग कीप ग्रोइंग गुड बाय टेक केयर